वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये वीडियो मैं खास तौर पर दोस्तों मैं उम्मीद आ कि तुसीं नूं जरूर शेयर करोगे, क्योंकि मैं बहुत तुहाडे इंपोर्टेंट इस गल करना चाहुंदा। जो सोशल मीडिया पर एक बहुत वड्डी कैंपेन हेट नफरत की कैंपेन चलाई जा रही है सिखां दे खिलाफ, एक हेट कैंपेन चल रही है। मैं 3 दिन के अंदर कोई तकरीबन मेरे ट्विटर हैंडल पर 2000 तो ज़्यादा लोगों ने टैग की, कोई कितों कितों वीडियो खड़ के, कोई कृपान की वीडियो, कोई किसी तरीके वीडियो, और परपस एक ही आ कि किसी तरीके भी सिखां नूं बदनाम किया जाए। इस जो किसान अंदोलन चल रहा है, इसनों सिख अंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है, और नाल ही सिख अंदोलन के नाल नाल इसनों एंटी नैशनल अंदोलन बनाने की कोशिश की जा रही है। सिखां दी देश प्रस्ती ते सवाल चुकिया जा रहा है। सोशल मीडिया के उत्ते जिहड़े गैंग बैठे ने, जिन्हां दा परपस ही हमेशा सानू एंटी नैशनल दसना हुंदा है, वह बड़े तेज एक्टिव होए हुए ने। मैं एक खास तौर पर वीडियो इस करके पा रहा है कि आपां नूं सुचेत होने की लोड़ है। आपां बहुत कुछ देख लिया पहला भी, किस तरीके सानू टारगेट करते हैं, सिंगल आउट करते हैं, साढ़े खिलाफ जहर उगलते हैं, वो जहर हौली हौली इकट्ठा करके और उसका फिर इन्ना वड्डा खमियाजा सानू भुगतना पैंदा है कि लोग चैनल सारे खिलाफ किए हुए ने साडे। अज तुसी कोई नैशनल चैनल चुक के देखोगे, वो इन्ना जहर उगल रहा साडे खिलाफ, इन्ना माड़ा चंगा बोलिया जा रहा है, कभी पाकिस्तान जोड़िया जा रहा है, कभी चीन जोड़िया जा रहा है। ये बहुत वड्डा अपनी चिंता का विषय है। शायद बहुत लोग इस दे उत्ते चिंता नहीं करते पे, क्योंकि कई लोग इस करके नहीं करते पे, उन्हां दी मजबूरी है, वो सरकार चापलूस बन चुके ने, उन्हां नूं सरकार की चापलूसी करनी है, चाकरी करनी है सरकार की। उन लगता कि जे असी कुछ बोलांगे तो सरकार नाराज़ हो जूगी। कुछ लोग इस करके नहीं करते पे, वो कहिंदे सानू की लेना देना इहदे नाल, साडा की वास्ता है। शायद आपां भुल रहे हैं कि साडा सारिआं दा वास्ता है। मैं तुहानू बेनती करदा इस वीडियो नूं जरूर शेयर करिओ, जो मैं कहण लगा ध्यान नाल समझ के। पहली गल, अज साडे लोगों नूं बहुत लोड़ आ ट्विटर ते आउण दी। जिते असी फेसबुक ते आ, असी ट्विटर ते नहीं हैगे। ये जिन्नी हेट कंपेन चलती पई, इहनूं रोकणा पऊगा। मैं देखिया कि मैं फेसबुक पर कुछ पाँना, लोग इमीजिएटली शेयर करते हैं, लेकिन जो ट्विटर पर उत्तर मैं कला रह जाता, उत्थे वो लोग इन्ना भारी हो जाते हैं मेरे खिलाफ। जो भी मैं उन्होंने जी गल करता है, उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दिना है, उदों ट्विटर पर अपने लोग नहीं है। सो पहले मैं बेनती करना चाहना है कि जोड़ा जोड़ा अपने, मैं पिछले भी देखा सगा, लोगों शुरू भी किया, मैं भी तुम्हें बेनती करता कि आप इमीजिएटली कंपेन चलाइए और सबनों अपना मैसेज भी लिखिए और यह वीडियो भी शेयर करो, ट्विटर पर आओ। हर बंदा अपना पंजाबी ट्विटर पर आए। ट्विटर पर क्यों आना जरूरी है? क्योंकि ट्विटर ना माहौल बनता है। जो ट्विटर पर कोई चीज़ ट्रेंड होंगी, वो ट्रेंड न्यूज़ पेपर बन जाती है, वो ट्रेंड न्यूज़ चैनलों चुकना पैंता उस ट्रेंड में। इस करके मैं आप जी को बेनती करदा, जिते आप इस अंदोलन सारे एकजुट होकर खड़े हाँ, किसानों की जित होनी यकीनी आ, असी इस लड़ाई में लड़ांगे। दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हर तरह की उन्होंने नाल खड़े होकर लड़ाई लड़ूगी, पर उत्थे अपने खिलाफ जो अंदोलन चलाया जा रहा, अपने खिलाफ एक साजिश की जा रही है, साडे खिलाफ नफरत फैलाई जा रही है, सिखां नूं बदनाम किया जा रहा है, वो वास्ते भी आप सब एकजुट होना बड़ा जरूरी आ। मैं तुहानूं चरणां च बेनती करदा है, जिते इस वीडियो शेयर करके अपने सारे ट्विटर हैंडल बनाओ। जिहदे कोल नहीं हैगा हुणे बैह जावे, अपना ट्विटर बनावे, बड़ा सौखा इहनूं ओपरेट करना, कोई मुश्किल नहीं। ट्विटर हैंडल बनाओ ताकि आप भी जवाब दे सकीए, और जो सानू बार बार बदनाम करने की कोशिश करते पे ने, उन्होंने मूँह तोड़ जवाब दे सकीए। आप सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।